हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्हिप्ड क्रीम। सबसे पहले बनाते हैं वेनिला व्हिप्ड क्रीम। इसके लिए हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम 2 कप, पाउडर्ड शुगर 4 बड़ा चम्मच, वेनिला एसेंस आधा छोटा चम्मच। व्हिपिंग क्रीम को पूरी रात रेफ्रिजरेट कर लें। ठंडी क्रीम हवा को अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लेती है, जिससे व्हिप करते वक्त इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। व्हिपिंग क्रीम को ठंडे किए गए मिक्सिंग बाउल में डाल लें और कम स्पीड में 20 सेकंड के लिए व्हिप कर लें। धीरे से इसका स्पीड बढ़ा लें। अब क्रीम में झाग आ गया होगा। अब इसमें डालें पाउडर्ड शुगर और धीरे धीरे से स्पीड बढ़ा के व्हिप कर लें। 2 मिनट के बाद इसमें डालें वेनिला एसेंस और फिर से धीरे से स्पीड बढ़ा के व्हिप कर लें। बाउल के किनारों को स्क्रैप कर लें। थोड़ी देर के बाद क्रीम में छोटे ट्रेस दिखेंगे और विस्क को बाउल से निकालने पर बहुत ही छोटे पीक्स बनेंगे, पर इनका कोई शेप नहीं होगा। ये पहला स्टेज है। आप इसे डेजर्ट को गार्निश करने के लिए यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर व्हिप करने के बाद क्रीम में थोड़ा सॉलिड ट्रेस दिखेंगे। जब आप विस्क को बाहर निकालेंगे तो क्रीम में पीक्स बनेंगे, पर उनके टिप सॉफ्ट होंगे। ये थोड़ी ही देर में गिर जाएंगे। ये दूसरा स्टेज है। आप इसे केक लेयर्स फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद अब क्रीम में बहुत ही सॉलिड ट्रेल्स दिखेंगे। इस स्टेज में व्हिपिंग स्पीड कम कर लें, नहीं तो क्रीम ओवर व्हिप हो जाएगी। ओवर व्हिप्ड क्रीम का टेक्सचर दानेदार और बटरी हो जाएगा। जब आप विस्क को बाहर निकालेंगे क्रीम में फर्क पीक्स बनेंगे। जब आप विस्क को बाहर निकालेंगे तो क्रीम विस्क पे फर्मली चिपका होगा। ये तीसरा स्टेज है। तुरंत सर्व करें या एयरटाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेट कर लें। इसे आप पाइपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब बनाते हैं चॉकलेट व्हिप क्रीम। इसके लिए हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम 2 कप, चीनी 5 बड़ा चम्मच, वेनिला एसेंस आधा छोटा चम्मच, कोको पाउडर 2 बड़ा चम्मच। इसके लिए मैंने अनस्वीटन कोको पाउडर यूज किया है। ठंडे मिक्सिंग बाउल में डालें कोको पाउडर, थोड़ा व्हिपिंग क्रीम और इसका पेस्ट बना लें। अब बाकी व्हिपिंग क्रीम ऐड कर लें। इसमें डालें चीनी, वेनिला एसेंस और कम स्पीड में 20 सेकंड के लिए व्हिप कर लें। धीरे से इसका स्पीड बढ़ा लें। अब क्रीम में झाग आ गया होगा। बाउल के किनारों को स्क्रैप कर लें ताकि जो भी चीनी हमने ऐड किया है वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, और धीरे धीरे से स्पीड बढ़ा के व्हिप कर लें। थोड़ी देर के बाद क्रीम में सॉलिड ट्रेल दिखेंगे। जब आप विस्क को बाहर निकालेंगे तो क्रीम में फर्म पीक्स बनेंगे और क्रीम विस्क पे फर्मली चिपका होगा। चॉकलेट व्हिप क्रीम तैयार है। तुरंत सर्व करें या एयरटाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेट कर लें। फ्रॉस्टिंग और केक लेयर्स को फिल करने के लिए यूज करें। आप क्रीम को 1 दिन के पहले ही व्हिप करके रख सकते हैं। उसे यूज करते वक्त 10 से 15 सेकंड के लिए फिर से व्हिप कर लें। अगर क्रीम में से थोड़ा पानी निकल आए तो फिर से व्हिप कर लें। आप क्रीम व्हिप करते वक्त अपने मन पसंदीदा फ्लेवर ऐड कर लें। अगर आप गर्म जगहों में रहते हैं तो मिक्सिंग बाउल और उसके अटैचमेंट को 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख लें। एक बड़े बाउल में बर्फ भर लें और उसके ऊपर ठंडे मिक्सिंग बाउल को रखकर क्रीम व्हिप कर लें। इससे क्रीम गर्म नहीं होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।